fourth one is the Mongolian sign. मंगोलियन साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डार्क ब्लैक या ब्लूइश स्किन कलर ऑफ द डोर्स लंबर डोर्सल और बटक्स एरिया. जो डोर्सल लंबर एरिया होगा, बटक्स का एरिया होगा, उसका कलर या तो ब्लैक देखने को मिलेगा या ब्लूइश देखने को मिलेगा. ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू द मेलिनिन. ब्लैक ब्लूइश हाइपर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन इन डोर्सल और बटक्स एरिया. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन. किसकी प्रेजेंस में देखने को मिलेगा? मेलेनिन की प्रेजेंस में क्या देखने को मिलेगा? जो बटक्स वाला एरिया होगा या लंबर डोर्सल एरिया होगा. कौन सा एरिया? जो अपने लंबर रीजन होता है उसका बाहर का एरिया. डोर्सल अपर सरफेस. कौन सा सरफेस है? अपर सरफेस में जो बटक्स का एरिया होगा, बटक्स एरिया, दोनों के दोनों क्या देखने को मिलेंगे? ब्लैक देखने को मिलेगा, ब्लूज देखने को मिलेगा और हाइपर पिगमेंटेड देखने को मिलेगा. ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि क्या हुआ है? मेलेनिन का लेवल इंक्रीज हुआ है. किसका लेवल इंक्रीज हुआ है? मेलेनिन का लेवल इंक्रीज होने के कारण यह कंडीशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए डिसअपीयर की, तो यह डिसअपीयर कब होगा? डिसअपीयर एट द एज ऑफ 1 to 2 years. डिसअपीयर एट द एज ऑफ 1 to 2 years. ये अपने जाना मंगोलियन साइन. मंगोलियन साइन क्या होगा? ब्लैक ब्लू हाइपर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन लंबर डोर्सल या बटक्स एरिया. आप इमेज सर्च कर देख लेना गूगल के ऊपर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं. फिफ्थ वन इज द मेलिया. मेलिया क्या होता है यह जान लेते हैं. फिफ्थ वन इज द मेलिया. White pinpoint spot present on the spot present on the forehead, nose and skin due to the accumulation of sebaceous gland. ग्लैंड.
क्या हुआ है, सीबेशियस ग्लैंड का एक्यूमुलेशन हुआ है, जमवाड़ा हुआ है, और उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट पिन पॉइंट स्पॉट देखने को मिलेगा फोरहेड के ऊपर, नोज के ऊपर, स्किन के ऊपर। यदि बात कर ली जाए डिसअपीयर की, तो यह डिसअपीयर कब होगा, डिसअपीयर विद इन वन मंथ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी राइट आफ्टर द बर्थ, जन्म के एक महीने के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर विद इन वन मंथ आफ्टर बर्थ। ये अपुन ने जाना मिलिया के बारे में। नेक्स्ट अपुन जान लेते हैं हर्लिक्विन साइन, कौन सा साइन है, हर्लिक्विन साइन। हर्लिक्विन साइन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो बेबी की हाफ बॉडी होगी वह या तो डार्क रेड होगी या डार्क पिंक होगी, वह रिमेनिंग जो बॉडी शेष रह जाएगी वह कैसा होगा, उसके ऊपर स्किन का कलर कैसा होगा, नॉर्मल होगा, कैसा होगा, नॉर्मल होगा। हाफ बॉडी स्किन कलर है, हाफ बॉडी स्किन कलर, हाफ बॉडी स्किन कलर डार्क रेड, डार्क रेड और डार्क पिंक, वाहिल रिमेनिंग हाफ बॉडी, हाफ बॉडी स्किन कलर विल बी नॉर्मल। क्या होगा, जो हाफ बॉडी होगी बेबी की उसका स्किन कलर कैसा होगा, या तो डार्क रेड होगा या डार्क पिंक होगा, और जो रिमेनिंग हाफ बॉडी शेष बच गई उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, नॉर्मल कलर देखने को मिलेगा। कैसा कलर देखने को मिलेगा, नॉर्मल कलर देखने को मिलेगा। यदि बात कर ले जाए यह क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। यह इंडिकेट करती है या तो क्या हुआ है, बच्चे के अंदर है कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, या कोई ना कोई कार्डियक डिजीज प्रेजेंट है आफ्टर वन वीक ऑफ डिलीवरी। यह कब देखने को मिलता है, वन वीक ऑफ डिलीवरी के अंदर। ऐसे किया जा सकता है कि बच्चे के अंदर या तो कौन सी कंडीशन है, सेप्सिस की कंडीशन है, या कौन सी कंडीशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, इट इंडिकेट in the baby occur sepsis or cardiac problem within 1 week of बर्थ। क्या होगा, सबसे पहले जाना जो हाफ बॉडी होगी है क्या है, जैसे कि एक बेबी है, बेबी की है हाफ बॉडी क्या हो गई है, डार्क रेड हो गई है, वह रिमेनिंग क्या रह गई है, नॉर्मल रह गई है। तो यह क्या इंडिकेट करेगा, यह इंडिकेट करेगा कि बेबी के अंदर या तो सेप्सिस की कंडीशन, सेप्सिन क्या होता है, इन्फेक्शन, क्या होता है, इन्फेक्शन, या तो इन्फेक्शन की कंडीशन प्रेजेंट है बेबी के अंदर, या कार्डियक प्रॉब्लम, या कौन सी प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम प्रेजेंट है बच्चे के अंदर विद इन 1 वीक ऑफ
बर्थ कब पता लगता है? वन वीक की डिलीवरी होने के बाद, विद इन वन या आफ्टर वन, यहाँ पर बोल भी सकते हैं, या तो किसी बच्चे के अंदर वन वीक के अंदर है या किसी के अंदर है, आफ्टर वन वीक ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी होने के एक सप्ताह के बाद भी, और किसी किसी में एक सप्ताह से पहले भी देखने को मिल सकती है ये कंडीशन है। तो ये आपने जाना बर्थ मार्क, क्या क्या निशान बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ ए बेबी बोर्न, जब बेबी का जन्म होता है तो उस टाइम कौन कौन से साइंस अपन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अपन ने जाना नेवस इंफ्लेक्स या स्ट्रोक बाइट या एंजलल किस के बारे में, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो डार्क रेड और डार्क पिंक की ब्लड वेसल्स कैपिलरीज देखने को मिलेंगी, क्यों मोस्ट कॉमनली देखने को कब मिलेंगी, जब बच्चा क्या कर रहा हो, क्राई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, क्राई कर रहा हो, और कौन कौन से एरिया के ऊपर है, फोरहेड नोज और लोअर ओसिपिटल जो एरिया होगा वहां पर देखने को मिलेगी, बच्चा रो रहा होगा तब क्यों देखने को मिल सकती है, इजिली विजुअलाइज होगी क्योंकि क्या हो गई है, जो ब्लड वेसल में स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। सेकेंड वन आपने जाना नेवस फ्लेमस, कौन सी कंडीशन है, नेवस फ्लेमस के अंदर नॉन एलिवेटेड क्या होगी, नॉन एलिवेटेड स्किन ऑफ मोस्ट कॉमन कहां की फेस की जो स्किन होगी वह एलिवेटेड नहीं होगी और क्या हो जाएगी, क्या देखने को मिलेगा, या तो डार्क रेड टू पर्पल देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ है, ब्लड कैपिलरीज की ग्रोथ है ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट वन अपन ने जाना क्या जाना नेवस वेस्कुलस या स्ट्रॉबेरी साइन, स्ट्रॉबेरी मार्क या साइन, इसके अंदर आपने जाना क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, उनकी ग्रोथ हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, पर्टिकुलर है रीजन के ऊपर है, और वह रीजन कौन सा, हेड रीजन के, यहां पर देखने को मिलेगा हेड रीजन। नेक्स्ट वन आपने जाना था मिलिया साइन, मिलिया साइन के अंदर पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पिन पॉइंट स्पॉट्स ऑफ ए वाइट स्किन, कैसी स्किन देखने को मिलेगी, वाइट, क्योंकि क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हो गया है सीबीएसएस ग्लैंड का। नेक्स्ट वन आपने हर्लिक मैंने साइन जाना, अब नेक्स्ट वन आपने ये कंप्लीट होता है इंटूगमेट्री सिस्टम, क्या आपने क्या किया है, बॉडी असेसमेंट ऑफ ए इंटूगमेट्री सिस्टम, इंटोगमेट्री क्या होता है, स्किन क्या होता है, स्किन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं वह अपन ने जान लिया। सबसे पहले वर्निक्स कैसियोसा के बारे में जाना था, क्या होता है, वाइट चीजी लाइक सब्सटेंस होता है। सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, अपन अब क्या कर रहे हैं, बॉडी सिस्टम असेसमेंट के अंदर है, सीवीएस के क्या करके चलेंगे, असेसमेंट करके चलेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, फर्स्ट वन सबसे पहले असेसमेंट करेंगे पल्स, पल्स के अंदर है को बच्चे के अंदर कौन सी पल्स को एसेस करेंगे, एपिकल पल्स, कौन सी पल्स, एपिकल पल्स एसेस एपिकल पल्स एट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन क्या करेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन होगी, वहां से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर से एपिकल पल्स को क्या करके चलेंगे, एसेस करेंगे किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है, यदि बात कर ली जाए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी कौन से स्पेस से अपन एसेस करते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कौन से स्पेस से, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से एसेस किया जाता है इन द प्रेग्नेंट वूमेन। यदि अडल्ट पर्सन की बात कर ली जाए, किसकी भाई, अडल्ट पर्सन की बात कर ली जाए तो अडल्ट पर्सन के अंदर कहां से एसेस करते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड इन मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लाइन होगी, मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या करेंगे, एसेस करके चलेंगे एपिकल पल्स को। यदि बात कर ली जाए पल्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एज के, किसके, पाल से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए एज। क्या देखने को मिलेगी यदि बात कर ली जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ नॉर्मल पल्स रेट होगी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितने देखने को मिलेगी, नॉर्मल पल्स रेट इन न्यूबॉर्न बेबी 120 to 160 बीट पर मिनट। कितनी देखने को मिलेगी, 120 to 160 बीट पर मिनट यदि बात कर ली जाए नॉर्मल पल्स रेट इन नॉर्मल पल्स रेट इन वन ईयर चाइल्ड, वन ईयर का जो बच्चा होगा यदि बात कर ली जाए उसके अंदर हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, 100 to 120 बीट पर मिनट। क्या होगी, यह नॉर्मल की बात कर रहे हैं अपन, किस चीज की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात करके चल रहे हैं। यदि बात कर ली जाए एट द एज ऑफ फोर ईयर, कब है, फोर ईयर के ऊपर है, एट द एज ऑफ फोर ईयर, जब चार साल का बच्चा होगा यदि उसके अंदर बात कर ली जाए नॉर्मल पल्स रेट की तो कितनी देखने को मिलेगी, 80 to 120 बीट पर मिनट, 80 to 120 बीट पर मिनट। कौन सी एज के अंदर है, जब फोर ईयर का बेबी होगा, कितने एज का बेबी होगा, फोर ईयर्स का बेबी होगा तो उसके अंदर देखने को मिलेगा 80 to 120 बीट पर मिनट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यदि बेबी कितने साल का हो गया है, 8 ईयर्स का, कितने ईयर का, 8 ईयर्स का बेबी हो गया है, उसको क्या चाइल्ड बोला जाएगा, तो वह उसके अंदर जो पल्स रेट होगी, हार्ट बीट होगी, वह देखने को मिलेगी 70 to 100 बीट पर मिनट, 70 to 100 बीट पर मिनट एट द एज ऑफ 8 ईयर। 8 साल की एज में कितनी देखने को मिलेगी, 70 to 100 बीट पर मिनट, 70 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट यदि बात करके चले अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर है, यदि नॉर्मल पल्स रेट की बात कर ली जाए तो कितनी होगी, 60 to 100 बीट प्रेजेंट। ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, क्या होगा यदि बात कर रहे हैं अपन 8 ईयर की, कितने ईयर्स की, 8 साल के बच्चे के अंदर है, कितनी देखने को मिलेगी, 70 to 100 बीट, 70 to 100 बीट पर मिनट यदि बात कर ली जाए इन अडल्ट पर्सन, इन अडल्ट पर्सन, अडल्ट पर्सन के अंदर जो हार्ट रेट होगी, पल्स रेट होगी, वह नॉर्मल देखने को मिलेगी 60 to 100 बीट पर मिनट। कितनी बीट पर मिनट है, 60 to 100 बीट पर मिनट देखने को मिलेगी एन ए हेल्दी अडल्ट पर्सन, किसके अंदर है, हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर है। यह अपन ने जाना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पल्स रेट। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं ब्लड प्रेशर को, किसको, ब्लड प्रेशर। फर्स्ट वन पल्स, पल्स कहाँ से एसेस करनी है, फोर्थ इंटरकोर्स के स्पेस से एसेस करनी है, या आप बोल सकते हैं कहाँ से, बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल से भी आप एसेस करते हैं, या बोल सकते हैं मिट्रल एरिया, कौन सा एरिया, मिट्रल वाल वाला एरिया होगा, वहां से भी आप एसेस कर सकते हैं एपिकल पल्स को, किसको, एपिकल पल्स। क्या मोस्ट कॉमन साइट है, किसके अंदर है, न्यूबॉर्न बेबी या चाइल्ड के अंदर है, अपन अडल्ट के अंदर भी इसको एसेस कर सकते हैं, बट कौन सी कंडीशन के अंदर है,
करें, जब यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो रेडियल आर्टरी के अंदर, कौन सी आर्टरी के अंदर है, यदि रेडियल आर्टरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी क्या देखने को मिले, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो अपन एसेस कर सकते हैं कौन सी पल्स को, एपिकल पल्स को, कौन सी पल्स को, एपिकल पल्स को। यदि अपन ने नेक्स्ट वन बात की पल्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एज के, नॉर्मल पल्स रेट के बारे में जाना, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 120 to 160, यदि वन ईयर का बेबी है तो 100 to 120 बीट पर मिनट, यदि फोर ईयर की बात कर ली जाए 80 to 120, 8 ईयर पर 70 to 100 बीट पर मिनट, और अडल्ट एज में 60 to 100 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज द ब्लड प्रेशर। यदि ब्लड प्रेशर की बात कर ली जाए तो पल्स थी, पल्स तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एज के, बट जो ब्लड प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एज के। ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एज। यदि बात कर ली जाए न्यू बॉर्न बेबी के अंदर है, जो ब्लड प्रेशर होगा वह कितना होगा 60 to 80 mmHg, तो क्या होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यदि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर ली जाए तो 40 to 60 mmHg। इन न्यू बॉर्न बेबी बेबी ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कौन सा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा 60 to 80 mmHg, 60 to 80 mmHg। यदि बात करके चले डायस्टोलिक प्रेशर, कौन से प्रेशर की, डायस्टोलिक प्रेशर कितना देखने को मिलेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 40 to 60 mmHg। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर है, यदि सिस्टोलिक प्रेशर की बात कर ली जाए तो कितना होगा 120 होगा, यदि डायस्टोलिक प्रेशर की बात कर ली जाए तो कितना होगा 80 होगा। 120 by 80 is the normal blood pressure in the adult. In adult person, 120 by 80 mmHg। यदि बात कर ले जाए 120 किसके अंदर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। यदि बात कर ली जाए 80 क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। यह आपने जाना ब्लड प्रेशर के बारे में, बेबी के अंदर 60 by 80 और 40 by 60 होता है, और 120 by 80 किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं ब्लड वॉल्यूम्स, किसके रिलेटेड है, ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड। ब्लड वॉल्यूम,
टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ए न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि ब्लड वॉल्यूम की बात कर ली जाए नॉर्मली कितना होगा, 80 ml per kg। यदि बात करके चले न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोग्लोबिन की, किसकी भाई, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना देखने को मिलेगा, Hb 18 to 20 mg per dl। किसके अंदर है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न है, बेबी के अंदर है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यदि बात कर ली जाए RBC, इसकी रेड ब्लड सेल्स कितनी देखने को मिलेंगी, 6 to 8 million पर mm क्यूब। कितनी देखने को मिलेगी, 6 to 8 million mm क्यूब। क्या देखने को मिलेंगी, RBCs। यदि बात कर ली जाए WBC, किसकी बात कर ली जाए WBC की, तो टोटल जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर WBC कितनी देखने को मिलेंगी, WBC 10,000 to 17,000 क्या देखने को मिलेगी, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगी। यदि बात कर ली जाए प्लेटलेट्स की, किसकी भाई, प्लेटलेट्स कितनी देखने को मिलेंगी, 3 to 5 lakh के बीच में क्या होगी, नॉर्मल प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। अपन बात कर रहे हैं ब्लड वॉल्यूम की, सबसे पहले हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितना होना चाहिए, 80 ml per kg। Hb हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, 18 to 20। नेक्स्ट वन RBC कितना होना चाहिए, 6 to 8। नेक्स्ट वन WBC 10,000 to 17,000 एंड प्लेटलेट 3 to 5 lakhs। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं CRT, यदि फुल फॉर्म की बात कर ली जाए CRT क्या होता है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, क्या होता है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम क्यों एसेस किया जाता है, इट विल बी एसेस टू चेक द ब्लड सर्कुलेशन, किसको चेक करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने के लिए क्या एसेस किया जाता है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। यदि पर्पज की बात कर ली जाए, पर्पज इट विल बी एसेस फॉर चेक द लेवल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, किस चीज के लिए, फॉर चेक द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने के लिए एसेस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है कैपिलरी रिफिलिंग टाइम टेस्ट। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए किसके अंदर परफॉर्म करना है, इन न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर अपन को क्या करना है, परफॉर्म करना है CRT। तो क्या करेंगे, कंप्रेस द स्टर्नम
फॉर 5 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए स्टर्नम को कंप्रेस करेंगे, आफ्टर डेट रिमूव द प्रेशर, और क्या कर देंगे, प्रेशर को रिमूव कर देंगे। तो अपन को दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, फर्स्ट वन इज द नॉर्मल कंडीशन, सेकेंड वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, यदि एबनॉर्मल होगी तो क्या देखने को मिलेगा, अगर नॉर्मल होगी तो क्या देखने को मिलेगा। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इन न्यूबॉर्न, इन द न्यूबॉर्न बेबी, बॉर्न बेबी कंप्रेस द स्टर्नम फॉर 5 सेकेंड, कितनी सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए क्या करना है, कंप्रेस करके रखना है स्टर्नम को। एंड आफ्टर दैट रिमूव द प्रेशर फ्रॉम स्टर्नम, क्या करना है, स्टर्नम से प्रेशर को रिमूव कर देना है। देन क्या देखने को मिलेंगी, टू कंडीशन देखने को मिलेंगी, फर्स्ट वन इज नॉर्मल, सेकंड वन इज एबनॉर्मल, क्या होता है जान लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ नॉर्मल ब्लड नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन विच नॉर्मल कलर है रिटर्न्स विद इन 3 सेकेंड से, जो कलर होगा वह रिटर्न हो जाएगा, दोबारा से रिटर्न हो जाएगा विद इन 3 सेकेंड से। द नॉर्मल कलर रिटर्न्स विद इन 3 सेकेंड, क्या हुआ है, 3 सेकेंड के अंदर क्या हो गया है, जो कैफरीन रिफिलिंग टाइम अपन ने चेस किया था, स्टर्नम को क्या किया था, कंप्रेस किया था बच्चे की के अंदर, किसको, स्टर्नम को कंप्रेस करते कितनी सेकंड के लिए, ओनली 5 सेकंड के लिए, उसके बाद क्या कर देते हैं, प्रेशर को रिमूव कर देते हैं। यदि नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, किसकी, नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल कलर होगा रिटर्न हो जाएगा विद इन 3 सेकंड, कितनी सेकंड के अंदर है, विद इन थ्री सेकेंड्स के अंदर नॉर्मल कलर रिटर्न हो जाएगा, तो वह कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन है। यदि क्या नहीं होता है, नॉर्मल कलर रिटर्न नहीं होता है विद इन 3 सेकेंड, कितनी सेकेंड्स के अंदर है, विद इन 3 सेकेंड से, तो क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन है। इफ नॉर्मल कलर नॉट रिटर्न विद इन 3 सेकेंड, then it is indicate abnormal condition, यह इंडिकेट करेगा
नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को, एबनॉर्मल कंडीशन को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कलर था वो रिटर्न नहीं हुआ विद इन 3 सेकंड के अंदर भी, तो यह क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन है। यदि अडल्ट पर्सन के अंदर बात कर ली जाए, किसके अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात कर ली जाए कैपिलरी रिफिलिंग टाइम की, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम अडल्ट पर्सन के अंदर कहां से चेक करते हैं, कहां का पार्ट, जो कौन सा पार्ट होगा उसको कंप्रेस करके चलते हैं, नेल बड्स को, किसको, नेल बड्स को क्या करना है, कंप्रेस करना है 5 सेकंड के लिए, कितनी सेकंड के लिए सॉरी भाई 5 सेकंड के लिए क्या करना है, कंप्रेस करना है नेल बड्स को, उसके बाद क्या कर देना है, रिमूव द प्रेशर, क्या कर देना, प्रेशर को रिमूव कर देना है। यदि क्या होता है विद इन 2 सेकंड, अडल्ट के अंदर कितनी सेकंड के अंदर है, 2 सेकंड के अंदर, बट चाइल्ड के अंदर है 3 सेकंड के अंदर। सबसे ज्यादा याद रखने योग्य बात कौन सी होगी, टाइम से रिलेटेड, उसमें तो कंप्रेस करना कौन सी साइट होगी, स्टर्नम होगी बच्चे में, यदि अडल्ट के अंदर नेल बड्स होगा, टाइम दोनों में सेम रहेगा 5 सेकंड के लिए कंप्रेस करना है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, जो रिटर्न होगा, जो कलर होगा रिटर्न होगा बच्चे के अंदर, तो 3 सेकंड के अंदर, कितनी सेकंड के अंदर है, 3 सेकंड के अंदर है। यदि अडल्ट के अंदर बात कर ली जाए तो 2 सेकंड, कितनी सेकंड है, 2 सेकंड, तो जान लेते हैं अडल्ट पर्सन के अंदर। सीआरटी कैपिलरी रिफिलिंग टाइम एसएस इन अडल्ट, किसके अंदर एसएस कर रहे हैं, अडल्ट पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं, एसएस कर रहे हैं, तो क्या करके चलना है, कंप्रेस द नेल बड्स फॉर 5 सेकेंड आफ्टर दैट रिमूव द प्रेशर फ्रॉम नेल बड्स क्या करना है, सबसे पहले तो नेल बड्स को कंप्रेस करना है 5 सेकंड के लिए, कितनी सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या कर देना है, कंप्रेस, जो कंप्रेशन किया उसे रिमूव कर देना, प्रेशर को क्या कर देना, रिमूव कर देना, कहां से, नेल बड्स के ऊपर से। नेक्स्ट वन जानेंगे, यदि नॉर्मल कंडीशन है तो क्या होता है, यदि नॉर्मल कंडीशन है नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा, If a normal color returns within 2 सेकंड, कितनी सेकंड के अंदर है, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल कलर देखने को मिलता है, तो यह इंडिकेट करेगा नॉर्मल कंडीशन को, कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन है, गुड सर्कुलेशन है, विद इन 2 सेकंड, देन इट इंडिकेट नॉर्मल कंडीशन एंड प्रेजेंट गुड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, जो नॉर्मल कलर होगा और रिटर्न नहीं होगा 2 सेकंड के अंदर, कितनी सेकंड के अंदर है, 2 सेकंड के अंदर है। इफ नॉर्मल कलर डू नॉट रिटर्न इफ
नॉर्मल कलर डू नॉट रिटर्न विद इन 2 सेकेंड देन इट इंडिकेट देन इट इंडिकेट एबनॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन एंड नॉट प्रेजेंट द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। क्या होगा उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर है जो होगा ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सीआरटी है कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वह मोर देन कितने से ज्यादा है, 2 सेकंड से ज्यादा है। तो उसका नॉर्मल कलर है वो 2 सेकंड के अंदर क्या नहीं हो रहा, नॉर्मल कलर डू नॉट रिटर्न नहीं हो पा रहा, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, एबनॉर्मल कंडीशन होगी। यदि नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो क्या होगा, जो नॉर्मल कलर होगा रिटर्न हो जाएगा विद इन 2 सेकंड के अंदर, विद इन 2 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा अडल्ट पर्सन के अंदर। यदि बात करें कंप्रेस कौन सा पार्ट करना, नेल बड्स को क्या करके चलना है, कंप्रेस करके चलना कितने टाइम तक है, 5 सेकंड, कितने टाइम तक भाई, 5 सेकंड तक क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद है रिलीव या रिमूव द प्रेशर फ्रॉम द साइट। नेक्स्ट में यदि बात कर ले जाए फ्लूड वॉल्यूम, किसकी बात है, फ्लूड वॉल्यूम में टोटल वेट ऑफ ए बॉडी फ्लूड, बॉडी के फ्लूड का टोटल वेट कितना पाया जाता है अकॉर्डिंग टू एज, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप अपन जानेंगे, जो फीटस होगा उसके अंदर कितना होगा, बेबी होगा उसके अंदर कितना होगा, अडल्ट पर्सन के अंदर कितना होगा, ओल्ड एज पर्सन के अंदर कितना होगा, तो जान लेते हैं फ्लूड वॉल्यूम टोटल वेट ऑफ बॉडी फ्लूड। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले फीटस के अंदर, किसके अंदर है, फीटस के अंदर है, तो उसको बॉडी वेट होगा उसके फ्लूड कितना परसेंटेज होगा, तो बात कर ली जाए सबसे पहले फीटस 90%, कितने परसेंट होगा बॉडी फ्लूड टोटल वेट का 90%। यदि बात करके चले न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, किसके अंदर है, न्यू बॉर्न बेबी इन न्यू बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर यदि बात करके चले जो फ्लूड वॉल्यूम होगा उसका कितना परसेंटेज होगा, 80%, कितना परसेंटेज, 80%। यदि बात करके चलें अडल्ट पर्सन की, कौन से पर्सन की, अडल्ट पर्सन है, अडल्ट पर्सन के टोटल वेट ऑफ बॉडी फ्लूड का कितना होगा, बॉडी फ्लूड का टोटल वेट कितना होगा, तो जानते हैं इन अडल्ट 60%, कितना परसेंटेज, 60%। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं ओल्ड एज पर्सन के अंदर, किसके अंदर है, ओल्ड एज पर्सन के अंदर है, टोटल वेट ऑफ बॉडी फ्लूड कितना होगा इन ओल्ड एज पर्सन, 55%, कितना होगा भाई, 55%। सबसे पहले अपन ने जाना फीटस के अंदर
कितना होगा 90%, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 80%, अडल्ट पर्सन के अंदर 60%, ओल्ड एज पर्सन के अंदर 55%। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए स्ट्रोक वॉल्यूम की, किसकी बात कर ली जाए स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना देखने को मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम यदि बात कर ली जाए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड को इजेक्ट किया जाता है, बाहर फेंका जाता है, उसे क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं भाई स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बात कर ली जाए स्ट्रोक वॉल्यूम की तो कितना होगा 5 ml per beat, 5 ml per beat पर कॉन्ट्रैक्शन, पर एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितने ml ब्लड इजेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, किसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 5 ml per beat। यदि बात कर ली जाए स्ट्रोक वॉल्यूम की अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर है अडल्ट पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी 70 ml, कितना ml है 70 ml per beat, एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अडल्ट पर्सन के अंदर कितना ब्लड इजेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml, कितना भाई 70 ml। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए कार्डियक आउटपुट, किसकी भाई कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है हार्ट रेट इंटू में स्ट्रोक वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होगा हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात करके चलें न्यूबॉर्न बेबी के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट की बात करके चलें तो कितनी होगी 140, कितनी होगी 140 इंटू में 5। यदि बात कर ली जाए तो टोटल जो कार्डियक आउटपुट होगा वह कितना देखने को मिलेगा 700 ml। यदि अडल्ट पर्सन के अंदर, किसके अंदर है अडल्ट पर्सन के अंदर बात कर ली जाए तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होगा वह कितना देखने को मिलेगा 5040 ml, कितना देखने को मिलेगा 5040 ml। कैसे यदि बात कर ली जाए नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी 72, नॉर्मल अडल्ट के अंदर है 72 हार्ट रेट होगी, हार्ट बीट होगी, पल्स रेट होगी। यदि स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो 70 ml, यदि दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या आएगा 504 ml कार्डियक आउटपुट इन नॉर्मल हेल्दी अडल्ट पर्सन है, यह आपने जाना कार्डियक आउटपुट है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है कंप्लीट जान लिया, अब जान लेते हैं बॉडी असेसमेंट पढ़ रहे हैं, बॉडी सिस्टम का क्या पढ़ रहे हैं असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव क्या होगा तो न्यूबॉर्न बेबी होगा वह इजिली डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट डाइट को, कौन सी डाइट को कार्बोहाइड्रेट डाइट को, कार्बोहाइड्रेट को इजिली डाइजेस्ट कर जाएगा, बट जो फैट डाइट होगी फैट होगा उसको क्या नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि डेफिशिएंसी होगी लाइपेज एंजाइम की, कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण, लाइपेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण फैट को क्या नहीं कर पाएगा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इन न्यूबॉर्न बेबी A newborn baby easily digest the carbohydrate diet
but not digest the not digest the fat due to the deficiency of due to the deficiency of lipase enzyme. कौन से enzyme की deficiency होगी? Lipase enzyme. क्या हुआ है? यदि लाइपेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई है तो लाइपेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण क्या देखने को मिलेगा? जो न्यूबॉर्न बेबी होगा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा फैट को. किसको? फैट को. और वह इजिली डाइजेस्ट होकर जाएगा. किसको? कार्बोहाइड्रेट डाइट को, या कार्बोहाइड्रेट को क्या कर जाएगा? इजिली डाइजेस्ट कर जाएगा. बट जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? लाइपेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है. नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कैपेसिटी की, स्टमक की जो नॉर्मल कैपेसिटी होगी वह बर्थ पर कितनी होगी? नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे आगे आने वाले टाइम पर कितनी होगी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टमक कैपेसिटी. स्टमक कैपेसिटी एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे कितनी होगी? एट बर्थ 10 ml कितनी होगी? 10 ml. नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए एट 10 डेज, 10 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगी? 10वें दिन के ऊपर है जो स्टमक की कैपेसिटी होगी वह कितनी हो जाएगी? 90 ml. कितनी हो जाएगी? 90 ml एट टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के टाइम तो कितनी है? 10 ml. बट एट टाइम ऑफ 10 डेज, एट 10 डेज, एट 10 डेज, 10 दिन के ऊपर है, कितना देखने को मिलेगी? 90 ml. कितना भाई? 90 ml. नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं मिकोनियम. क्या बात कर लेते हैं? मिकोनियम. मिकोनियम मिकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल पास आउट इन ए न्यूबॉर्न बेबी. यदि बात कर ली जाए न्यूबॉर्न बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो फर्स्ट स्टूल पास आउट होगा वह उसको क्या नाम से जाना जाएगा? मिकोनियम. किस नाम से जाना जाएगा? मिकोनियम. किस नाम से भाई? मिकोनियम. फर्स्ट स्टूल पास आउट इन ए न्यूबॉर्न बेबी. नेक्स्ट वन यदि बात करके चले अपने यह कब तक पास होता है? इट इज पास्ट, इट इज पास्ट फॉर फर्स्ट 1-3 days. कब तक? 3 दिन तक क्या होता है मिकोनियम में पास होता है. यदि बात कर ली जाए कैसे कलर का होगा? इट इज ग्रीनिश ब्लैक कलर, इट इज ग्रीनिश ब्लैक कलर. क्या होगा? फर्स्ट स्टूल पास आउट होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? मिकोनियम. और ये पास होगा 1-3 days तक. कलर की यदि बात कर ली जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि कलर की बात कर ली जाए तो ग्रीनिश ब्लैक कलर. कैसा कलर देखने को मिलेगा? ग्रीनिश ब्लैक कलर देखने को मिलेगा. सेकंड वन यदि बात कर ली जाए कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं मिकोनियम के अंदर है? कंपोनेंट उन बात कर लेते हैं. कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स के अंदर है, फर्स्ट उन बात करके चलें, डाइजेस्टिव जूस था जो उसे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है मेकोनियम के अंदर, किसके अंदर है, मेकोनियम के अंदर है डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट में बात कर ली जाए बाइल साल्ट एंड है बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट एंड है बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है मेकोनियम के अंदर, बाइल साल्ट एंड बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट में यदि बात करके चलें डेड एपिथेलियल सेल, कौन सी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, डेड एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर है, मेकोनियम के अंदर है डेड एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट में बात कर ली जाए लेनिंगो, क्या लेनिंगो जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वे भी प्रेजेंट होंगे किसके कंपोनेंट्स के अंदर है, मेकोनियम के अंदर, किसके अंदर है मेकोनियम लेनिंगो। ये अपन फोर कंपोनेंट्स है जो मोस्टली सीन होते हैं पाए जाते हैं किसके अंदर है, मेकोनियम के अंदर, किसके अंदर है मेकोनियम के अंदर। मेकोनियम क्या है, फर्स्ट टूल पास आउट करता जो बेबीज को मेकोनियम बोलते हैं, फर्स्ट थ्री डेज तक करता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर होता है, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट पाया जाता है, डेड एपिथेलियल सेल पाई जाते हैं और लेनिंग को पाया जाता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल स्टूल, यह अपन ने कौन सा जाना मेकोनियम है, ट्रांजिशनल स्टूल कौन सा होगा जो कि 3 to 4 days से लेकर 3 to 4 नेक्स्ट डेज तक क्या करता है बेबी पास आउट करता है, उसी को क्या बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टूल। ट्रांजिशनल स्टूल ट्रांजिशनल स्टूल न्यूबॉर्न बेबी बेबी पास द स्टूल आफ्टर मेकोनियम टू नेक्स्ट 3 to 4 days कब से कब तक है, मेकोनियम से लेकर 3 to 4 days नेक्स्ट जो अगले 3 या 4 days होंगे उस तक क्या करेगा पास करेगा स्टूल, उसी को क्या बोलेंगे ट्रांजिशनल स्टूल। कौन सा स्टूल है ट्रांजिशनल स्टूल, यदि बात कर ली जाए मेकोनियम है, मेकोनियम के अंदर है जो स्टूल होगा वह पास करता है बेबी फर्स्ट 3 days 1 to 3 days तक, 1 to 3 days तक है। और इसके अंदर जो स्टूल का कलर की बात कर ली जाए तो ग्रीनिश ब्लैक कलर का ऐसा कलर देखने को मिलता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर किसके अंदर है मेकोनियम के अंदर। बट अपन बात करें ट्रांजिशनल मिल्क की तो ट्रांजिशनल मिल्क कुल मिलाकर बोल सकते हैं अपन फर्स्ट 7 days तक, फर्स्ट 7 days तक कौन सा मिलता है ट्रांजिशनल स्टूल, कौन सा स्टूल है ट्रांजिशनल स्टूल है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं यदि ट्रांजिशनल स्टूल की कलर की बात कर ले जाए तो कैसा कलर होगा, ग्रीनिश ब्राउन कलर, ग्रीनिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा ट्रांजिशनल स्टूल के अंदर। द कलर ऑफ द स्टूल इज द कलर ऑफ द स्टूल इज ग्रीनिश ब्राउनिश, कैसा कलर देखने को मिलेगा ग्रीनिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा किसके अंदर है ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर है, यदि सॉरी भाई ट्रांजिशनल स्टूल के अंदर है यदि बात कर ली जाए। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले आप उन्हें नॉर्मल स्टूल, नॉर्मल स्टूल का पास आउट होगा आफ्टर 7 days या आफ्टर 1 week के बाद भी अपन बोल सकते हैं कैसा स्टूल पास आउट होगा, नॉर्मल स्टूल देखने को मिलेगा, नॉर्मल स्टूल
नॉर्मल स्टोल. इट विल बी पास आउट आफ्टर ए वन वीक. एक सप्ताह के बाद कैसा स्टूल देखने को मिलेगा? नॉर्मल स्टूल. कैसा स्टूल है? नॉर्मल स्टूल देखने को मिलेगा बेबी को. यदि बात कर ली जाए बेबी कैसी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, कैसी फीडिंग कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसके अंदर कैसा स्टूल कलर देखने को मिलेगा. यदि फॉर्मूला फीडिंग कर रहा है तो कैसे कलर स्टूल का देखने को मिलेगा. तो बात कर लेते हैं इफ ब्रेस्ट फीडिंग. यदि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो कैसा कलर देखने को मिलेगा स्टूल का? सैडी येलो कलर. कौन सा कलर है? सैडी येलो कलर ऑफ ए स्टूल. सैडी येलो कलर ऑफ ए स्टूल. नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें, सेकंड वन इज फॉर्मूला फीडिंग. बेबी को कर रहा है अवॉइड कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग.